अरे रिकॉर्डिंग चालू करना। अर्थ इज स्टार्टिंग रिकॉर्ड। यस रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड। गुड। मेरा ये घूम रहा है आज, अभी भी पता नहीं, लैपटॉप में खाली कंटिन्यूअसली इट इज सर्कुलेटिंग। गॉड नोज व्हाट इज द प्रॉब्लम। आई हैव चेंज द इंटरनेट ऑल्सो। आई हैव गॉट टू इंटरनेट आई हैव टेकन। सो 8 के बाद बदले विल डू 11th। 11th पढ़ा ना हमने। मुझे बताओ वर्क डिपेंड ऑन पाथ और वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वर्क इज डिपेंडिंग ऑन पाथ और अभी अभी बताया मैंने वर्क डिपेंड ऑन पाथ और वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। अरे बोलो ना यार प्लीज। हाँ तो वहां पे देखो डी में क्या लिखा, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ इज रॉन्ग। वर्क डन इज डिपेंड ऑन पाथ। नॉट पॉसिबल लिखा है वो ध्यान रखना, नॉट पॉसिबल। तो डी इज नॉट पॉसिबल। डी में लिखा है वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इनफैक्ट वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑफ ऑन पाथ। Therefore, 13 का answer is D. 15. When there is exchange of energy, but no matter in a system, it is. अरे मालूम है, ये तो बहुत easy है। ये तो बताओ तुम लोग बताओ। Open system में both mass and energy are exchanged. अभी बताओ कौन सा? Closed system is the right answer. 15 का B. 16. जनरल फॉर्मूला P delta V, P into change in volume. ये कहाँ लिखा है? कहाँ पे लिखा है? ये कहाँ दिख रहा है? Q equal to delta U plus P delta V. Where is this? A में है कि B में कि C में कि D में? A. A is the answer. A is the answer. After 20, we'll do 22. बोलो. Changing the state of thermodynamics from A to B, the heat required is Q and the work done by the system is W. The change in its internal energy is work done by the system. Remember one thing, work done by the system means this will expand. Matlab there is expansion. Work done is positive. Work is positive only if V2 is greater than V1. Work done. So yahan pe By the system, मतलब work has done, been done, that means W is positive. रोलो क्या बोलते हैं? Change in internal energy. That means what will be change in internal energy? ये formula will do, W will be positive. What is delta U therefore? What will be delta U? अरे match, match. Q minus W. क्या चल रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? गोल गोल घूमने चालू कर देता है, कनेक्टिंग कनेक्टिंग। अरे आज हो गया। वेट हाँ आई चलो ये रिकॉर्ड चालू है तो जाने दो, मैं नहीं करता हूँ। व्हाट इट हैज कम। ओके ओके सो 22 में क्या आंसर होगा? ये वाला कहाँ लिखा है? डेल्टा यू इज क्यू माइनस डब्ल्यू। किधर है? बी। सर आपका कैमरा बंद हो गया। कौन सा? हाँ 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 फोन का। वेट कर रहा हूँ। हाँ हो गया। गुड। लैपटॉप का चालू है? हाँ लैपटॉप का चालू है।
इसका बंद है, अभी भी बंद है ये? नहीं सर, फोन का चालू है, लैपटॉप का चालू है, दोनों चालू है। हाँ तो दोनों होने थे ना। तो क्या हुआ, तुम लोग को दो दो दिख रहा है? नहीं वो स्क्रीन डिस्प्ले स्प्लिट हो रहा है पूरा दिन, पिन गया तो भी। व्हाट शुड आई डू? ऑफ कर दो कैमरा लैपटॉप का अभी। अभी बराबर दिख रहे हैं? या सर। यस सर। ओके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ भाई। हाँ ओके, इसके बाद 22 के बाद विल डू 26। 26 रीड करो बच्चे। Consider a process shown in the figure. During this process, the work done by the system. अच्छा ये कोई बताएगा, कोई आइडिया बताएगा, work done का फॉर्मूला है PDV. By what observation you can say that work? अच्छा work done positive कब होता है? Work done continuously increase कब होता है? Work done continuously increase pressure तो constant है, when volume is continuously increasing. Work done during this process, work done continuously increase कब होगा? जब volume increase होगा। अब मुझे ये बताओ, अपने यहाँ पे graph में, can you see यहाँ से और यहाँ तक continuously volume बढ़ रही है, ये volume है, volume बढ़ती जा रही है, every step volume is increasing, since volume is increasing, therefore work will keep on increasing. देखो ना, वर्क ऐसे जा रहा है ना, वो ऐसे पीछे थोड़ी आ रहा है, वर्क ऐसे कम नहीं हुआ है, ऑलवेज इट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वॉल्यूम इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एंड देयरफॉर ए इज द आंसर। देयरफॉर 26 का ए इज बिकम्स द आंसर। प्लीज आस्क मी, मेरे को ऐसा लगता है मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन कुछ डाउट है आपको प्लीज पूछो, जब तक आप पूछेंगे नहीं ना तो मुझे लगेगा आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। और ये मत सोचो कि दूसरा क्या बोलेगा कि इसको आता नहीं समझ में, खाली डिस्टर्ब करते रहते क्लास में। करण यू फॉलोअर्स? करण देखो ना, वॉल्यूम कंटिन्यूअसली बढ़ रही है ना, देखो इस साइड जा रही है, तो इस साइड जा रही मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़, चेंज इन वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो वर्क भी बढ़ता जाएगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा। 26 के बाद विल डू 27, 26 का ए, 27. Two moles of an ideal monoatomic gas are taken around a cycle ABCA as shown in the figure. The work done during the cycle. देखो एक बार ध्यान रखो, कभी भी ये cyclic process है, इसमें क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो work done in this situation is nothing but area of the triangle, area of the triangle. Clockwise जब भी होगा ना तो work done is positive. अगर anti-clockwise होगा तो work done will be negative. ये clockwise है. So what is the area of the triangle? Equal to half into base. Base देखो volume है, 2v minus v. हाइट क्या होगा? हाइट विल बी 2p माइनस p, सो दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू v इनटू p, दैट इज इक्वल टू pv बाय 2, एंड सिंस क्लॉकवाइज इट इज पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव दिया ही नहीं है, एंड देयरफॉर 27 का आंसर इज बाबा। थ्री सिक्स थर्टी सिक्स, ये मैंने जो बनाया है आपके लिए, कॉपी मारने के लिए बनाया है, आप कॉपी मार लो। The figure below gives the indicator diagram for four different processes. Which figure represents the ice? 27 के बाद है 36. The figure shows the indicator diagram for different process. Which figure is it? Isobaric. What is isobaric means? Isobaric क्या होता है? Anybody? Isobaric means constant. क्या? Pressure. That's right. Isochoric का नाम क्या है? Isochoric.
आइसोकोरिक मतलब क्या? कांस्टेंट वॉल्यूम. वॉल्यूम. एंड आइसोथर्मल यानी क्या? टेम्परेचर. कांस्टेंट टेम्परेचर. एंड एडियाबेटिक यानी क्या? एडियाबेटिक सिंपल कांस्टेंट विद हीट इज नॉट सप्लाइड. नो हीट इज सप्लाइड. क्यू इक्वल टू जीरो. एडियाबेटिक में क्यू इक्वल टू जीरो. ये ध्यान रखना. तो आइसोबल कॉन्सेंट्रेशन कहाँ दिख रहा है चारों ग्राफ में जरा बताओ तो? कहीं से ये दो में से एक ही आंसर हो सकता है, या तो ये या ये. ये प्रेशर और यहाँ पे वॉल्यूम, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम. बोलो कौन सा लगता है? ये है ये वन और ये टू. कॉन्सेंट प्रेशर वाला कौन सा है? कॉन्सेंट प्रेशर वाला कौन सा है? देखो Q equal to delta U plus W है first law, लेकिन ये 0 equal to delta U plus W, that means Q equal to 0. Q equal to 0 कौन से प्रोसेस में होता है? अभी अभी बताया मैंने. कौन से प्रोसेस में होता है? एडियाबेटिक. ऐसा अगर प्रॉब्लम आ जाए तो यू आर वेरी लक्की. लेकिन पता नहीं अपने क्लास में स्कॉलर लोग पढ़ाई नहीं कर रहे एकदम. आई एम वेरी इन अ मेरे को बहुत बुरा लग रहा है एक्चुअली. बहुत बुरा लग रहा है. 39 का ए आंसर. एंड आफ्टर 39 विल डू 44. बोलो 44 रीड करो. ड्यूरिंग एडियाबेटिक कंप्रेशन फॉर गैस इट्स टेंपरेचर. एकदम एकदम सोच के बोलो, कुछ करने का नहीं. ड्यूरिंग एडियाबेटिक मुझे इतना बताओ, एडियाबेटिक सडन और वेरी स्लो? एडियाबेटिक सडन होता है कि स्लो होता है? एडियाबेटिक सडन होता है, फास्ट होता है कि स्लो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस? सर हीट सप्लाई नहीं हुई तो क्या होगा? अरे फास्ट है कि स्लो है, खाली वो पूछ रहा हूं मैं. स्लो. वेरी बैड. वेरी बैड. रैपिड चेंज जब होता है तो उसको एडियाबेटिक बोलते हैं. हीट जाने का टाइम ही नहीं मिलता उसको. हीट को एंटर या एग्जिट करने का टाइम ही नहीं मिलता है. स्लो 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 होता है आइसोथर्मल में. Isothermal is extremely slow process. Adiabatic is rapid process. तो यहाँ पे मुझे इतना बताओ, compress कर रहा है, suddenly मैं piston को धम करके यहाँ ले आऊँ. पहले इतनी बड़ी गैस थी, अब गैस इतने के अंदर समा जाएगी तो टेमी गर्म हो जाएगी या ठंडी हो जाएगी? गैस गर्म हो जाएगी या टेम्परेचर ठंडी हो जाएगी? Suddenly गैस को compress कर दूँ छोटी सी जगह में. अरे बोलो ना मेरे बाप. अरे भाई इसको मैंने सडनली पिस्टन को नीचे लाया और दबा के छोटी सी जगह में गैस को कर दिया, कॉम्प्रेस कर दिया. तो गैस गर्म हो जाएगी ठंडी है? कुछ नहीं होगा उसको. गैस बोलेगी जा तेरे को जो करना है कर. कुछ नहीं होगा. हाँ कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं होगा गैस को? नहीं सर गर्म होगी. अरे बाप रे कैसे बताऊंगी इसको, ये तो बहुत कॉमन चीज है. ये गैस है वैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ये वॉल्यूम थी वैसे 50 लीटर. ये बंद यहाँ पे पिस्टन ने करके रखा था इसको बंद. ठीक तो यहाँ पे मैंने एडियाबेटिक वॉल लगाई है, मतलब हीट इज नॉट अलाउड टू एंटर और गो आउट. हीट कैन नॉट एंटर और कैन नॉट लीव द सिस्टम. सडनली सडनली इसको बोला नीचे ले आते, ये गैस को पूरा का पूरा पिस्टन है इधर दबा के रख दिया. ये सारी जो 50 लीटर गैस है इसके अंदर घुस गए. तो टेल मी उसका टेम्परेचर 100 रहेगा कि कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? कॉमन सेंस से बोलो. कॉमन सेंस से कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है. गैस को सडनली कंप्रेस करके छोटी सी जगह में रख देंगे तो इट विल बिकम हॉट और कोल्ड? सर अगर हीट ही अंदर बार कुछ भी नहीं हो रहा है तो क्या होगा? हीट को अरे हीट को बाहर जाने को नहीं मिल रहा है, हीट अंदर ही ट्रैप्ड है तो क्या होगा? तो फिर 100 सेंटीग्रेड जाएगी मतलब गर्म होगी ठंडी की कुछ नहीं होगा?
कुछ नहीं होगा। अरे बाप रे, इसको बताने का क्या तरीका है, कैसे बताऊं? इसको मैं बताने का मेरे को कोई तरीका नहीं है, एकदम सिंपल यही मेथड है कि किसी चीज को कॉम्प्रेस कर देंगे, गैस को कॉम्प्रेस करके छोटी सी जगह पे रख देंगे तो दैट विल बिकम हॉट। देयर इज नो अदर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस, प्रोवाइडेड यू आर नॉट अलाउइंग हीट टू एग्जिट। यहाँ पे हीट को जब बाहर जाने को चांस नहीं दे रहे हो, और जो पूरी की पूरी हीट इतने पार्ट पे, छोटे से पार्ट पे दबा के रख दी तो इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज। अरे करण, सुन करण। यस सर। टेक दिस एज अ रिजल्ट, आई कांट एक्सप्लेन दिस। ओके सर, आई अंडरस्टूड। और उल्टा सोच, उल्टा सोच, एकदम गरम गरम गैस है, इतने से चीज के अंदर बैठी हुई है, इतने छोटे से के अंदर 100 डिग्री, उसको मैंने एक्सपांड कर दिया, बड़ा सारे फैलने दिया एकदम, बोला जा फैल गया और पिस्टन को ऊपर ले गया, तो क्या हो जाएगा, वो और ज्यादा गर्म हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, उतना ही टेम्परेचर रहेगा, ठंडी हो जाएगा, उल्टा नहीं होगा जब उसको दबाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं क्या, उल्टा करेंगे yes, तो sir. Yes, तो फिर ये हो गया 4444। ओके, इसके बाद 44 के बाद विल डू 48। हाँ, 44 का आंसर क्या लिखा मैंने, राइजेस बी देन 48। 48 read. Two identical samples of a gas are allowed to expand, first isothermally and second adiabatically. Work done is. अबे ना, याद करो, ये किसको याद होगा मालूम नहीं, मेरे को तो बहुत, I am really. एक याद करो, मैंने है ना ये बताया था, this is pressure, this is volume. कौन सा वाला आइसोथर्मल था और कौन सा वाला एडियाबेटिक था, ऊपर वाला नीचे वाले में फर्क था, एक आइसोथर्मल था एक एडियाबेटिक था, कौन सा वाला था, एकदम सडन ये था आइसोथर्मल, किसी को याद नहीं है, ये था एडियाबेटिक, नहीं यार बना डालो ये, ये आइसोथर्मल का, ये एडियाबेटिक का, अब बताओ इसको देख के बताओ वर्क डन ज्यादा किसमें होगा, वर्क डन मे बी मोर इन विच केस, आइसोथर्मल में या एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल बिकॉज एरिया कवर मे बी मोर, देखो आइसोथर्मल का एरिया इतना ज्यादा होगा और आइसो एडियाबेटिक का एरिया खाली इतना होगा, देखो वर्क डन सिंस एरिया ऑफ आइसो इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ एडियाबेटिक, ये किसी को याद नहीं है, ऐसा मैंने कर्व बनाई थी, लेट मी आस्क तन्वी, ऐसा किया था याद आ रहा है तुम लोग को कि नहीं, या सो दैट स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप, या दैट्स राइट, हिमांगी, यू हिमांगी रिमेंबर दिस और नो, टेल मी ऑनेस्टली, कुछ प्रॉब्लम नहीं मेरे को, हिमांगी, अरे हाँ या ना तो बोल, आवाज नहीं आ रही क्या हिमांगी, आवाज जा रही है, so she's not feeling well, kya naam hai uska, Sejal, you, yeah Sejal, I remember, koi bolta kyun nahi hai yaar, mere ko sachchi takleef hoti hai aise, okay therefore more in isothermal, 48 ka answer is ye, 48 ka answer is ye, okay 49 bolo, the gas law pv upon t is equals to constant is true for, dekho pv equal to nrt jo rehta hai na,
It is true for all gases, irrespective of whatever. खाली गैस should be ideal gas. That's it. तो चाहे प्रोसेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, आइसोथर्मल हो, एडियाबेटिक हो, कोई भी आइसोकोरिक हो, कुछ भी हो, दिस विल रिमेन ऑलवेज ट्रू. तो देयरफॉर यहाँ पे लिखो, यहाँ पे आंसर क्या होगा, बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक चेंजेस. देयरफॉर कौन सा है 49 का आंसर इज सी. 51 रीड करो. In an adiabatic process, 90 joule of work is done on the gas. The change in internal energy of the gas. अच्छा मुझे इतना बताओ, adiabatic बोला इसलिए मैं सीधा Q equal to zero लिख दूँ? Now tell me, work is done on the gas. When work is done on the gas, W is positive or negative? Work is done on the gas, मैंने उसको compress किया है. नीचे लेके गए पिस्टन को, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव और वर्क डन बाय गैस विल बी नेगेटिव. नेगेटिव. तो वर्क का आंसर क्या लिखूंगा, आई शुड राइट -90. दे वांट डेल्टा यू, दे वांट डेल्टा यू. व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ क्यू? इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. क्यू इज जीरो, डेल्टा यू तो ढूंढना है और W कितना है -90, therefore delta U will be +90 joule, therefore Baba is the answer. दूसरा एक कॉमन सेंस से बताऊं आपको, कॉमन सेंस से कैसे निकालने का आंसर, कॉमन सेंस वाली बात. मुझे एक बात बताओ, वर्क इज डन ऑन द गैस या नहीं, मुझे बताओ वर्क डन इज ऑन द गैस या नहीं. गैस को दबा रहे हैं कि गैस को एक्सपांड कर रहे हैं, गैस को कंप्रेस कर रहे हैं कि गैस को एक्सपांड कर रहे हैं? वर्क इज डन ऑन द गैस यानी वी आर एक्सपांडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग द गैस. कॉन्ट्रैक्टिंग. जब गैस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो टेल मी अंदर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? अरे करण तू बताओ, जब गैस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? सर बढ़ेगा. बढ़ेगा ना. अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है कि घटती है? अरे जब टेम्परेचर बढ़ता है गैस का तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है. बढ़ती है तो ये प्लस आया, प्लस 90 आया, वो इज जस्टिफाइड. फॉर्मूले से भी यही आता है. आई होप दैट्स क्लियर. बोलो. ओके, इसके बाद 51 के बाद 55. In the volume diagram given below, the isochoric, isothermal and isobaric paths respectively are isochoric. ये ना आपको बताता हूँ, कई बार बच्चे लोग ना ग्राफ देख के उनकी हालत बोलते हैं, अरे बाप रे ये तो नहीं आएगा मेरे को. isobaric. और ग्राफ बना के मैं आपको समझाऊंगा कितना इजी होता है, कितना इजी है. ए बी एंड देन दिस इज व्हाट इज प्रेशर एंड दिस इज व्हाट इज वॉल्यूम. मुझे इतना बताओ, व्हाट इज आइसोकोरिक मींस? आइसोकोरिक यानी क्या होता है? वॉल्यूम कॉन्स्टेंट का है. ए बी में, बी सी में, ए डी में या सी डी में, किधर है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम? हाँ CD. तो यहाँ पे मेरे को आंसर मिला CD. आइसो दर, पहले आइसो बारी किधर है? आइसो बारी कॉन्स्टेंट प्रेशर किधर है? AB. अब ये देखो आंसर का है, जैसे पहला CD और बाद में AB है, किधर है? किधर है? तो देखो व्हाट इज आंसर? Answer is D. Dabba is the answer. Dabba is the answer. This is D. Okay. So Dabba is the answer. That is about which one? I said 55. 55. Now come to 56.
Yeah, bola. Why not the option B? Why not option? The option B? Option B. B. Oh, DC. Pehle to DC isochoric bol sakte hain. Then CB. And then BA. Isochoric. Achha, haan, DC is also volume is constant. And CB mein, okay, isothermal ho sakta hai wo. And BA mein, isobaric, wo bhi chalta hai. Actually, even B appears to be like, very good. Who said this? Who said this? Tanvi. Tanvi, very good, Tanvi. What I'll do will be, right now mark B and D both, but I'll tell you which is more appropriate. Mere hisab se BB is righty answer. BB righty answer. Isochoric. Isothermal. Isobaric. Barabar lag raha hai. BB right lag raha hai, but I will discuss this. Huh? I will discuss 55. Then 56 pe aao. Very good thinking. 56. An ideal gas is made to go from a state A to state B in the given two different ways. See figure. First, an isobaric and then an isochoric process. And second, an isochoric process. The work done by the gas due to respectively. Then. Okay, mujhe batao. Kiska area covered more hai? फर्स्ट वाले का है सेकंड वाले का एरिया अंडर पीवी डायग्राम किसका ज्यादा है फर्स्ट में या सेकंड में फर्स्ट में ज्यादा है ना फर्स्ट में तो दैट मींस कैन आई से W1 इज मोर देन W2 अरे वर्क डन इन फर्स्ट विल बी मोर देन वर्क डन इन सेकंड क्योंकि वर्क इज इक्वल टू एरिया इक्वल टू वर्क डन बोलो सो व्हाट इज द आंसर व्हाट इज द आंसर अरे बोलो ना ए बी सी डी बी बी इज द आंसर बी इज द आंसर ओके ये हो गया क्लासिकल उसके बाद में हीट इंजन वगैरह कार्नोट साइकिल नहीं है लेट अस डू क्रिटिकल क्रिटिकल में कुछ करने वाले हम लोग क्रिटिकल का नंबर डालता हूं मैं आई एम नॉट सो हैप्पी विथ यू पीपल यार पता नहीं बोलने में क्या तकलीफ होती है आपको और मेरे को भी सब लोगों को तकलीफ है पीपल डू नॉट वॉन्ट टू स्पीक ओनली मैं बोलता हूँ बोलो ना रॉन्ग तो रॉन्ग मैं कुछ चिल्लाऊंगा नहीं जरा भी क्रिटिकल में 3, 5, 11, 12, 14, 16, 20, 20 लेट मी टेल यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंटायर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आर फ्रॉम आवर नोट्स नोट्स में आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम लोग ये नोट्स ही नहीं कर रहे हो नोट्स करो करिया किया होता ना तो कल 35 out of 35 मिलता था ओपनली अभी मैट्रिसेस का पेपर पूरा नोट्स में से है सीईटी पेपर भी आल्सो आपको खाली वो हिंट स्टार्टिंग में वो सब पढ़ना है प्रिपेयर करना है प्रॉपरली एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल 25 out of 25 आई वॉन्ट ये कितना इजी था तुम लोग को जाने देना है बोलना चाहता था लेकिन अभी नहीं बोलता हूँ 24 इतने इजी एमसीक्यू आते नहीं है तुम लोग को इजी इजी एमसीक्यू पूछ रहा हूँ एग्जाम में आई एम नॉट आस्किंग फॉर JEE और ये वाले एमसीक्यू इसी में तुम्हारी हालत खराब हो गई है पीपल आर सिंपली नॉट स्कोरिंग मार्क्स और हमेशा ध्यान रखो फ्लूक से अगर आपको आंसर राइट मिला है तो आपको एक्चुअली देखना है कि क्यों आंसर वो था और अंडरस्टैंड जो मैंने हिंट्स एंड सॉल्यूशन दिया है दैट इज नॉट फॉर मी दैट इज फॉर यू आप उसको पढ़ो देखो नहीं समझ में आता है मेरे को मैसेज करो फोन करो पूछो सर गो टू 23 आपने ये बोला था आंसर मेरा इस तरह से ये आता है व्हाट इज रॉन्ग इन देखो तन्वी ने बहुत अच्छा रेस पॉइंट किया इससे तुम लोग अंदर से डाउट्स निकालो आई वुड लव इट पता नहीं नोबडी वांट्स टू स्टडी सब देयर आर एक्सक्यूजेस 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 कमिंग क्रिटिकल का नंबर 3 4 meter cube of a gas is heated at the pressure 10^5 Nm² until its volume increased by 10%. Then the external work done by the gas is देखो 4 meter cube. V1 equal to 4 meter cube.
pressure of 10 raised to 5 Newton per meter square. Volume increases by 10%. Delta V, 10% of V, of V1. Then the external work done is. What is WK formula? Delta V is what? 10% of V, इसको V कर देते हैं. V1 की क्या जरूरत है? That is P into 1/10 of V. P कितना है? 10 raised to 5. 1 upon 10, volume कितना है? 4. Four into 10^4 joule. At constant pressure, this formula is applicable at constant pressure. Anybody can tell me what is the formula for constant volume work done? Ka? Work done ka formula for constant volume. Anyone in the class? Work done ka formula at constant volume. Bolo.